जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम संजय सक्सेना, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्म चैनल से हूँ। आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी और वो है राशि के हिसाब से आपसे कौन से ग्रहों को अगर आप ठीक करेंगे तो आपके लव मैरिज के चांसेस बनेंगे, हाँ या ना में। यानी कि यदि आप ये जान जाएं कि आपकी राशि कौन सी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने नाम के अक्षर पर ध्यान देना। यदि आपको आपकी राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जो भी है, आपकी तुला है, वृश्चिक है, मीन है, कुछ भी हो सकती है, अगर आपको अपनी राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आपका जो नाम है वो नाम किस चीज़ में आता है। जैसे अगर आपका नाम दा से है, दीप्ति है, तो दा आता है मीन राशि में। यदि आप सा से हैं, सोनम है, तो आपका नाम आता है कुंभ राशि में। इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका नाम कौन सी राशि में आता है। यदि आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी राशि में लव मैरिज जो नहीं हो पा रही है उसमें कौन सी अड़ंगा दे रहा है। मैं सिर्फ उन प्लैनेट्स के नाम बताऊंगी, लेकिन उपाय नहीं बताऊंगी। उपाय अगर आपको जानने हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। यदि आप मेष राशि से संबंधित हैं तो आपको सूर्य और शुक्र के सारे उपाय कर देने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी लव मैरिज रुकेगी। यदि आप सूर्य के बाद आते हैं, यदि आप वृष से हैं, वृष यानी सेकेंड नंबर है, तो बुध और बृहस्पति आपका ख़राब होगा, तभी ऐसा बनेगा कि आपकी लव मैरिज नहीं होगी। यदि आप मिथुन राशि से हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि शुक्र की खराबी होने पर आपकी लव मैरिज बनने में दिक्कत आएगी। यदि आप कर्क राशि से हैं तो मंगल की वजह से आपकी लव मैरिज में रुकावट आएगी, और कुछ आपको शनि की भी थोड़ी बहुत पूजा करनी चाहिए। यदि आप सिंह राशि से हैं तो गुरु और शनि की वजह से आपकी शादी में लव मैरिज में रुकावट आएगी। यदि आप कन्या राशि से हैं तो भी आपकी शनि और मंगल की वजह से ही लव मैरिज में रुकावट आती है। तुला राशि में हैं तो भी मंगल और शनि की वजह से ही आपकी रुकावट आएगी। अगर आप वृश्चिक राशि से हैं तो आपके गुरु और शुक्र के आपको सारे उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि गुरु और शुक्र के उपाय करने से ही आपके फायदे होंगे। यदि आप धनु राशि के हैं तो धनु राशि के लिए भी आपको सूर्य और शुक्र के उपासना करनी चाहिए। सूर्य और शुक्र आपका ठीक होगा तो आपकी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। यदि आप मकर राशि से हैं तो आपको शुक्र और चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, इससे आपकी लव मैरिज के चांसेस खुलेंगे। इसके बाद जो राशि आती है वो आती है मकर राशि। मकर राशि का मैंने आपको बता दिया शुक्र चंद्रमा, और फिर जो आएगी वो आएगी कुंभ राशि। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आपको सूर्य और बुध के उपाय करने चाहिए। सूर्य और बुध के उपाय करने से आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। लेकिन यदि आप मीन राशि से हैं तो मीन राशि में आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ कुछ पूजाएं भी होती हैं जो करनी चाहिए, वो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जिसको ज़्यादा अर्जेंट है वो मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकता है। जो मैंने आपको ग्रह बताए हैं आपकी राशि के हिसाब से, अगर आप इन राशियों के जो भी रेमेडीज़ हैं वो आप कर लोगे तो फिर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जो राशियों के नाम मैंने बताए हैं और जिन जिन राशियों के साथ जिस जिस ग्रह का संबंध मैंने बताया है, ये उसकी लव मैरिज को कराने में या ना कराने में संबंधित है, जिनके वो ग्रह सही होंगे। जैसे मीन राशि का चंद्रमा जब अच्छा होगा तो उसकी लव मैरिज करा देगा, लेकिन मीन राशि का चंद्रमा अगर खराब होगा तो उसकी शादी नहीं कराएगा। अगर मेष राशि का सूर्य और शुक्र अच्छा होगा तो लव मैरिज हो जाएगी, अगर मेष का सूर्य और शुक्र अच्छा नहीं होगा तो लव मैरिज नहीं होगा। इसी तरह से आपको सारे राशियों के एक बार चेक करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या है तो व्हाट्सअप कीजिए।